तो चैनल में गर्मी थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो मैंने सोचा कि ऐसी नॉर्मल वीडियो बना के सब कुछ थोड़ा ठंडा कर दूं। वैसे मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने फ्लाइंग बीस के ऊपर बनाई थी उसने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया एंड तुम लोगों ने उसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया। वीडियो के इम्पैक्ट से करण गुलवानी ने अपनी 122 वीडियोस प्राइवेट कर दी, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिया, और अगर तुम लोग उसकी वीडियोस में कमेंट करोगे तो वो बैठ के उन सबको डिलीट करता है। सो वेरी कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, दैट्स अ ह्यूज डब्ल्यू फॉर अस। और भाई मेरे 100 के हिट हुए एक महीना होने वाला है और मुझे अभी तक मेरा सिल्वर प्ले बटन नहीं मिला। बहन की लोड़ी सूजन, डिस्ट्रैक्ट बना दूं। देखो मैंने इस चैनल पे कमेंट्री वीडियोस करीब 6-7 महीने पहले शुरू की थी एंड जब से मैंने कमेंट्री वीडियोस शुरू किए ना, मेरे को एक कमेंट है जो मुझे सबसे ज्यादा आता है ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में, ट्रिगर इंसान पे वीडियो बनाओ। और मैंने इस कमेंट को इतना ज्यादा इग्नोर किया है ना, तुम्हें क्या लगता है मैं ट्रिगर इंसान पे वीडियो बनाने से डरता हूँ? मुझे नहीं बनानी ट्रिगर इंसान पे वीडियो। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में दो लोगों को अनफनी बोलोगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। देखो मुझे निश्चय पे वीडियो नहीं बनानी क्योंकि उसके दो बड़े बड़े चैनल हैं, ट्रिगर्ड इंसान जहाँ पे उसे बैठने के पैसे मिलते हैं और लाइव इंसान जहाँ पे उसे गेम खेल के बैठने के पैसे मिलते हैं। लाइव इंसान बेसिकली मिथपैट का सेकंड चैनल, और भाई लाइव इंसान के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए उसके लिए कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि इसमें से मिथपैट के 4 मिलियन तो हटा ही देते हैं। और भाई निश्चय इतना माइनक्राफ्ट मत खेला कर यार, ट्रिगर इतना ज्यादा माइनक्राफ्ट खेलता है कि जिस हिसाब से अब वो अपनी वीडियोस लिखता है मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी ब्लॉक आ गया है, राइटर्स ब्लॉक। तुम लोगों को लगता है कि 2020 सिर्फ तुम्हारा सबसे खराब साल था? मुझे इस साल ट्रिगर इंसान की टिकटॉक रोस्ट वीडियो एडिट करनी पड़ी थी और मैंने तो सिर्फ एक ही वीडियो एडिट की उसकी। वैसे निश्चय भाई तेरे लिए बहुत ही ज्यादा बैड न्यूज है मेरे पास कि अगले महीने से स्कूल्स खुल रहे हैं तो तेरे आधे व्यूज तो। देखो मैंने ट्रिगर्ड इंसान को कोलैब के लिए पूछा और उसने मुझे मना कर दिया। तुझे किस बात की अकड़ है यार? लगता है इस ट्रिगर्ड इंसान को मिलके घुसन मारनी पड़ेगी। और क्या हो गया यार, अगर वो 6 फीट लंबा है तो मुझे थोड़ी ना उससे लड़ना है, मेरे को तो उसपे सिर्फ 16 मिनट की वीडियो बना देनी है। यार देखो मेरा सर दर्द हो गया, मुझे पैरासिटामोल। और भाई मैंने इतने लोगों पे वीडियोस बनाई है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और ऐसा भी थोड़ी ना कि मैं ट्रिगर के घर पहुंच जाऊंगा और वो मुझे मारेगा। भैया आपको सोना है इसमें? कोई नहीं, पहले हाँ भाई कितने सब जाते तेरे? 100 के 100 के ये तो मैं छीक मारता हूँ ना तो जाते, ये देख देख 100 के बढ़ गए। छीक मार के भैया 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 गाल पे छीक दो ना भैया, छीक दो ना प्लीज, एक बार ही छीक दो भाई। ज्यादा रोस्ट करता है ना तू, ज्यादा रोस्ट करता है। आज तेरे को रोस्ट सिखाऊं मैं। तू फनी लग रहा है, काश तेरी वीडियोस भी इतनी फनी होती। कम से कम मैं अपनी वीडियोस में 10 मिनट सिर्फ हंसता तो नहीं, एटलीस्ट मेरी वीडियोस में कोई तो होता है हंसने वाला। नहीं ये था, चलो मेरी वीडियो में कोई एक बंदा तो होता है जो हंसता है। मैं नहीं मानता फिंग भाई, तू हंसता है ना मेरी वीडियो में यार, कल तूने नहीं बोला था कि तू हंस रहा था? वैसे आप भी मेरे सामने हो तो मैं आपको क्या बुलाऊं, ट्रिगर्ड इंसान या लाइव इंसान? कोई नहीं ऐसा यहाँ पे खड़ा, आप क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्ट बन बस, बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं ये घर छोड़ के, मुझे नहीं रहना है, बेइज्जती करवाना है क्या? रोक मत मुझे। नहीं रोक, मैं नहीं रुक रहा, मैं जा रहा हूं। तो जा रहे, देख लो मैं बाहर भी आ गया। तो जा रहे, मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं आधा बाहर हुआ नीचे, मैं पूरा हो गया, तो मैं जा रहा हूं, देख लो रोक सकते हो अभी भी। गया फाइनली। हाँ भाई आपने ही रहने, सॉरी भाई।
सॉरी भाई, तुम भी आ गए भाई, मुझे भी ले लो आप भी आ जाओ। सर ने खुद को निकाल दिया बाहर। भाई भैया आप ही का घर है। अच्छा हाय, तो वीडियो खत्म हो चुकी है। आई जस्ट वुड लाइक टू थैंक निशेफ अ लॉट। देखो आई नो फॉर अ क्रिएटर दैट ह्यूज टू अग्री विद माय स्क्रिप्ट इज अ वेरी बिग डील। मैंने जितने भी जोक्स लिखे थे मैंने निश्चय को पूछा कि अगर कोई नहीं पसंद है मुझे बता दो मैं निकाल दूंगा, एंड ही वाज वेरी काइंड इनफ। उसने बोला तेरे को जो डालना है तू डाल सकता है। निश्चय इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, लाइक फॉर अ क्रिएटर दैट ह्यूज। तुरंत अग्री कर दिया कोलैब करने के लिए मेरे साथ, हम लोग उसे घर पे चल गए कोलैब करने के लिए। दैट इज अ वेरी बिग डील एंड थैंक यू सो मच निश्चय। आई जस्ट वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल टू नो कि मैं निश्चय की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू डू द सेम। तो थैंक यू सो मच निश्चय फॉर द अपॉर्चुनिटी। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिनको ये वीडियो पसंद आई।